प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे प्रभात खबर, मैं हूँ आपके साथ ऋतु सुमन। इंग्लैंड की टीम का खिताबी जीत का सपना 55 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया। इटली ने दूसरी बार यूरो कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। यूरो 2020 के फाइनल मैच में इटली ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। फुल टाइम तक स्कोर 1-1 से बराबर रहने के बाद पेनल्टी शूटआउट में इटली को जीत मिली। इंग्लैंड की टीम ने पिछले 55 सालों से कोई खिताब नहीं जीता है। इस हार के बाद उसका इंतजार और लंबा हो गया है। वहीं इटली ने 1968 के बाद फिर यूरो कप का खिताब जीता। यहाँ खास बात यह है कि इटली 34 मैच से कोई मुकाबला नहीं हारी है। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में मैच खेला गया। रोमांच से भरे यूरोपियन चैंपियन के फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में इटली ने इंग्लैंड को 3-2 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। घरेलू मैदान पर इंग्लैंड का खिताब जीतने का सपना एक बार फिर से अधूरा रह गया। रविवार की रात मैच शुरू होने के दूसरे ही मिनट में ल्यूक शो ने गोल कर इंग्लैंड को इटली के खिलाफ 1-0 की बढ़त दिला दी। हालांकि मैच के 67वें मिनट में इटली के अनुभवी डिफेंडर बानुची ने गोल कर मैच को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। निर्धारित और बचे हुए समय तक दोनों टीम 1-1 गोल से बराबरी पर रही। जीत के साथ इटली का 34वें मैच में लगातार जीत का दौर जारी रहा। हालांकि फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने बेहतरीन शुरुआत की थी और दूसरे ही मिनट में ल्यूक शो ने गोल किया, अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। यूरो कप के इतिहास में फाइनल का सबसे तेज गोल इसे बताया जा रहा है। ल्यूक शो ने 1:57 में गोल दागने का काम किया। इससे पहले 1964 में स्पेन के जीजस मारिया ने रूस के खिलाफ फाइनल में 6वें मिनट में गोल किया था। 67वें मिनट में इटली के लियोनार्डो बानुची ने गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर किया। 34 साल 71 दिन के बानुची फाइनल में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। यूरो कप के इतिहास में दूसरी बार टूर्नामेंट का रिजल्ट पेनल्टी शूटआउट से निकलता दिखा। इससे पहले की बात करें तो 1976 में पेनल्टी से रिजल्ट निकला था। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।